दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां की महिलाओं को अगर कोई देख लेता है तो उसकी नज़रें उसी पर टिकी रहती हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कोलंबिया के बारे में। इस देश को प्लेग्राउंड ऑफ द बीचेस भी कहा जाता है। यहाँ पर सुंदर बीचेस पर सुंदर महिलाएं दूसरे देशों के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव महिलाएं भी मानी जाती हैं और इसी वजह से यहाँ पर टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर रात के समय में भी सूर्य की कुछ किरणें अपनी रोशनी बिखेरती रहती हैं। यहाँ पर सुबह और शाम टीवी और रेडियो पर नेशनल एंथम चलाया जाता है। यहाँ के लोगों को डांस करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, ये ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको कोलंबिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं और बताएंगे यहाँ पर लड़की की उम्र 15 साल की होने के बाद क्या क्या किया जाता है। यहाँ की महिलाएं 15 पुरुषों के साथ डांस क्यों करती हैं। पर ये सारी बातें जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, कोलंबिया, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, यह अपने प्राकृतिक संसाधनों, आधुनिक शहरों, अनोखी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। इस देश को ब्राज़ील के बाद दूसरी बायोडाइवर्ट कंट्री भी कहा जाता है। इस देश की ज़्यादातर महिलाएं बेहद आकर्षक होती हैं। 5 करोड़ की आबादी के साथ कोलंबिया दुनिया का 28वां बड़ा देश है। भारत के बाद यही वो देश है जहां सबसे ज़्यादा छुट्टियां मनाई जाती हैं। कॉफ़ी उत्पाद के मामले में यह तीसरा स्थान रखता है, जो कि हर साल 8,40,000 टन कॉफ़ी दूसरे देशों में निर्यात करता है। दोस्तों, पूरे कोलंबिया में लगभग 300 बीचेज स्थित हैं और अगर आपको समुद्र के किनारे रेत पर मस्ती करना पसंद है तो यह जगह आपके लिए सबसे ठीक है, क्योंकि सुंदर बीचेस पर कोलंबिया की आकर्षित करने वाली महिलाएं और लड़कियां बेहद ही मदहोश करने वाले नज़ारे देती हैं और इसी कारण इस देश में 30 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल घूमने आते हैं। कोलंबिया में भाषा के रूप में स्पेनिश बोली जाती है और यहाँ पर जब लड़की 15 वर्ष की होती है तो उस दिन जश्न मनाया जाता है जिसको लोकोन सारन कहते हैं। ये वो दिन होता है जब लड़की 15 पुरुषों के साथ डांस करती है और वो लड़की सबसे पहले डांस अपने पिता के साथ ही करती है। ऐसा करने के पीछे का कारण होता है कि लड़की के पिता को अब पता चल गया है कि वह बड़ी हो गई है। साथ ही यह दिन उस लड़की के लिए भी सबसे खास होता है क्योंकि इसके बाद वो लड़की अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह देश 11,40,738 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एरिया के मामले में यह देश दुनिया में 25वें स्थान पर आता है। बोगोटा राज्य को इस देश की राजधानी होने का सम्मान मिला है। साथ ही यही राज्य इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है। करेंसी के रूप में इस देश में कोलंबियाई फिसोस चलता है। एक भारतीय रुपये के बदले में 0.021 पैसे ही यहाँ की करेंसी के बन पाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट भी भारी संख्या में पहुँचते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले 14 सबसे ऊँचे पेड़ों में से 7 इसी देश में पाए जाते हैं, जिन्हें पाम ट्री कहते हैं। दोस्तों, कोलंबिया दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है, कोलम प्लस बिया, कोलंबिया। कोलम शब्द इतिहास के सबसे बड़े एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस को दर्शाता है और बिया शब्द लेटिनी है जिसे किसी भी शब्द के आगे लगाते हैं, जैसे दूध वाला, राशन वाला इत्यादि। कोलंबिया में एक ऐसा दरिया है जो कि 5 रंगों में बहता है और इसको काइनो क्रिस्टल इक्विड रंगो भी कहा जाता है। कोलंबिया में इंसानों की औसत आयु 73 साल आखी गई है। साथ ही यहाँ पर बुजुर्गों को भी बहुत इज्जत दी जाती है। इस देश के झंडे में 3 पट्टियाँ और 3 रंग हैं। पीला रंग देश में मौजूद गोल्ड को दर्शाता है, नीला रंग समुद्र की ओर इशारा करता है तथा लाल रंग आज़ादी में शहीद हुए बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पण करता है। कोलंबिया यहाँ की नाइट लाइफ और स्ट्रीट लाइट के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की गलियाँ हमेशा महिलाओं और पुरुषों से भरी रहती हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ के अलग ही नज़ारे हैं। शनिवार की रात यहाँ लोग घरों से निकलकर खूब मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, ये था कोलंबिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।